राजगढ़ जिले के जीरापुर नगर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मांगीलाल शाह शनिवार को सुपुर्द खाक कर दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तैयारी जुटे हुए थे श्री शाह, जहां उन्हें आज शनिवार की सुबह 7:30 बजे हृदयघात आ गया। भारत जोड़ो यात्रा में चल रही एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टरों की स्पेशल टीम ने चेकअप कर मृत घोषित कर दिया। शाह का पार्थिव शरीर को सुसनहर से जीरापुर लाया गया था। इसके बाद हजारों स्थानीय एवं कांग्रेस व भाजपा नेताओं की मौजूदगी में मांगीलाल को मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। शाह के अंतिम संस्कार में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं उनकी पत्नी श्रीमती अमृता राय, पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची समेत अन्य ने शिरकत की। मांगीलाल शाह नगर में मसीहा कहा जाता था। शाह के निधन की खबर सुनते ही नगर गमनीन माहौल में तब्दील हो गया। शाह कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य थे, वह नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी शकीला भी वार्ड क्रमांक 14 से पार्षद है। मांगीलाल शाह मुस्लिम धर्म से होकर भी सभी धर्मों को लेकर चलने वाले नेता थे। गरीब वर्ग लोगों की वह हमेशा मदद करते रहते थे। शाह को नगरवासी हमेशा याद करते रहेंगे। बस स्टैंड पर उनके जनाजे को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको पार्टी का तिरंगा झंडा उड़ाया गया। जनाजा नगर में निकाला, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर उनको गमगीन माहौल में अंतिम विदाई दी। इनकी इच्छा की दरबार से बात होगी थी शाम को, तो हम सुबह यहाँ से गए थे, तो क्या आगे मिलेंगे यहाँ भी पहुँच गए, तो ये आगे गाड़ी में बैठ के आगे आ गए। चलो, इनकी मौत हुई क्या, उनके साथ ही थे आप? मैं 6:15 बजे साहब से, बड़ा साहब से मिला, और इसके बाद मांगीलाल शाह गाड़ी में बैठ के आगे आ गए दूसरे रास्ते से, और वो वहाँ उतर के खेल रहे थे एमपी पे, और हम तो पीछे पदयात्रा में आ रहे थे, तो खेलते खेलते गिर गए। वहाँ से एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस से उठा लिया। कौन सी एम्बुलेंस? ये राहुल गांधी जी के साथ में एम्बुलेंस, हमने अच्छे अच्छे डॉक्टर सब था, तो इस पार्ट पे निपट गए थे, तो वहाँ बचपा की संभावना थी। कब से वहाँ पे काम कर रहे थे मांगीलाल जी? नहीं, काम तो हम तो सुबह गए थे 5 बजे, और कल भी वो वहाँ शाम पर गए, कल भी शाम का मैं साथ में पदयात्रा में शामिल होने गए। राजगढ़ से रामबाबू चौहान की ये रिपोर्ट।